वालेकुम व्यूअर्स, आपको रजनी की किचन में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। और आज हम बहुत मज़ेदार डिश, अरे आज आप बना रहे, चाहे अपनी सीट संभाले। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद। मेरे बेटे वेलकम कर ही चुके हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में शादो आबाद रखे बहुत प्यारी दुआ के साथ। चले आज जो हम बनाने जा रहे हैं, संडे है, बहुत ट्रेडिशनल डिश, वो है बीफ पुलाव। बीफ पुलाव के साथ मैं जो दूसरी चीज़ बनाऊंगी वो है हरी मिर्चें, अचारी हरी मिर्चें नाम दे दें उनको। बहुत मज़े की हरी मिर्चें बनती हैं, उसके जो सारे स्पाइसेस हैं बहुत सिंपल है। और सबसे अच्छी बात यह जो वो चटपटी सी हरी मिर्चें बनती हैं लेमन जूस के साथ, वो आप 1 से 1.5 महीने तक जार में रख सकते हैं, अचार के तौर पर घर में खा सकते हैं। अच्छा, बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया, हड्डी वाला सीने का, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मैं यखनी आप लोगों के सामने बना सकती थी लेकिन टाइम नहीं होता, तो मैंने तकरीबन 1 kg ये गोश्त लिया था और 8 गिलास पानी मैंने डाला था। जब मेरा गोश्त अच्छे से गल गया था तो मैंने, ये देख सकते हैं, मैंने अब यखनी में क्या क्या डाला। 2 प्याज डाली साबुत, 1 लहसुन का फूल डाला, 1 अदरक का टुकड़ा, सारे गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची 2-2, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, तेजपत्ता 2 अदद, 1 बादियान का फूल, ठीक है, काला जीरा, सफेद जीरा, ये सारी चीजें हो गई, जावित्री जायफल का 1-1 टुकड़ा, जो सारे गरम मसाला होते हैं वो सब मैंने 1 किलो के हिसाब से थोड़े थोड़े करके डाल दिए थे। यूं आप समझ लेंगे काली मिर्च और लौंग 1-1 टीस्पून लिए थे, और 1 टीस्पून मैंने काला जीरा और सफेद जीरा लिया था, और 2 टीस्पून मैंने लिया थे सौंफ। सौंफ से इसमें बहुत सौंधापन आता है, और मैंने इस दफा तो नहीं डाला लेकिन साबुत गोल लाल मिर्च भी लाल वाली में डाल देती हूँ, उससे यखनी का अरोमा बहुत अच्छा हो जाता है। सिंपल तरीके से बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये तकरीबन मेरी 3 प्याज है भगार की, फाइन चॉप करके रखी हुई है। इसको मैं अच्छे से ऑयल में जब फ्राई करूंगी तो कुछ निकाल लूंगी ऊपर से। जैसी वो फ्राई हो रही होगी तो आप लोग ये देख सकते हैं, 2 मेरे तेज पत्ता है, 1 दालचीनी, 1 बादियान का फूल और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ले लिया है। इसको फ्राई करके सौते करके मैं, ये मेरा क्यूबिक पेस्ट है जो कि हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हैं, और लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून ले लिया है। इसको डालते के साथ ही फौरन फ्राई करके मैं अपना 1 kg यखनी से निकली हुई बोटियां जो है ये मैं पुलाव में डालूंगी। इसको और इसको मिला के बहुत अच्छी चसक आती है, बहुत मजे का पुलाव बनता है। जैसे ही हम लोग फ्राई कर रहे होंगे, मैंने देख, आप लोग देखिए इतने मोटे मोटे टमाटर के टुकड़े डाले, ये मैं डालूंगी, साथ में फौरन दही डाल के 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, टमाटर नरम हो जाएंगे। फिर हम अपनी जो यखनी है, ये यखनी डाल के हम 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, सेम मैंने रेशो रखा है। अगर मेरा 1 kg गोश्त है तो मैंने 1 किलो राइस तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे बासमती राइस। ये तो हमारे पहली वाली इंग्रेडिएंट है पहली रेसिपी के। अच्छा, अब ये जो दूसरी रेसिपी है बहुत चटपटी, बहुत मजेदार बनती है। मैंने तकरीबन 1.25 भर के करीब मिर्चें ले ली थी, इस तरह से इतनी मोटी काटी है कि एक बाइट में आपके 1 हरी मिर्च आ सके। मैंने ग्लव्स पहन के सिजर से काटी थी क्योंकि आपको पता है कि मिर्चें अमूमन तेज होती हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला है वो मैंने बहुत सारा बना के जार में रख लिया है एक डिस्पोजेबल बॉक्स में, इसका आप जरा गौर से नोट डाउन कर लीजिए। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, दोबारा बता रही हूँ, 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सफेद जीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ, 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सफेद जीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ। इनको मैंने हल्के से फ्राई किया, मतलब सॉरी, मैंने इनको हल्का सा रोस्ट करा। रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें राई जो होती है जो कि अचार में डलती है, 1 टीस्पून मैंने इसमें राई डाली, उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स करा और फिर मैंने मशीन में ग्राइंड कर लिया। ये सारा मसाला जो है ये बहुत मजे का होता है, इसका तकरीबन मैं 1/4 पोर्शन छोड़ के बाकी हरी मिर्चों में डालूंगी, ये थोड़ा ज्यादा बन गया। 4 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया साबुत, 2 टेबल स्पून सफेद जीरा, 2 टेबल स्पून आप सौंफ ले लीजिए, राई ले लीजिए 1 से 2 टेबल स्पून, आप लोगों के ऊपर है, आप मसाले की क्वांटिटी अगर कम रखेंगे तो कम भी। ये ड्राई मसाला आप अपने घर में बनाकर रखें, या आप कभी कभी चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो उसकी हरी मिर्चों में भर के भी यूज कर सकते हैं, ये मसाला बहुत मजे का बनता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है हरी मिर्चें, जो हम लोग अचारी हरी मिर्चें बनाएंगे। सबसे पहले मैं ऑयल में, ज्यादा अच्छा है कि मस्टर्ड ऑयल ले लें, नहीं तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, मिर्चें फ्राई करूंगी, ये वाला मसाला डालूंगी। ये मसाला डालते के साथ ही मैं तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी ली, इसमें हल्दी जरा अच्छी क्वांटिटी में डलती है, और 1 टेबल स्पून नमक, अचारी हरी मिर्चें नमक इसमें थोड़ा निकलता हुआ होता है, इन दोनों को डालूंगी। इसके साथ साथ ही मैं क्या करूंगी, मैंने जो इसकी सबसे बेस्ट चीज है वो है तकरीबन 1 फूल लहसुन का ले लिया है, उसके ये क्लोव्स हैं, मैंने इनको छील के रखा हुआ है।
जैसे कि साथ ही इसमें से हाफ मसाला मैं ये मशीन में डाल के इसके साथ ही लहसुन ग्राइंड करूंगी। मेन चीज इसकी यही है, लहसुन के साथ ये हरी मिर्चें बहुत मजा देती है। जैसी हरी मिर्चें फ्राई होने लगेंगी, ये लहसुन पिसा हुआ और इसका तकरीबन 1/4 पार्ट छोड़ के ड्राई मसाले का ये वाला मसाला ले लेंगे, इसको फ्राई करेंगे, फिर हल्दी और नमक डालेंगे। जब हमारी मिर्ची कुक हो जाएंगी तो हम लेमन जूस डाल के हमारी आचारी हरी मिर्ची तैयार हो जाएंगी। ये पुलाव के साथ बहुत मजा देती है। चले आ जाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलाव के लिए प्याज ब्राउन करने के लिए करते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल डाला था, क्योंकि अमूमन गोश्त जो होता है वो ऑयली सा होता है, चिकनाई उसकी अपनी भी निकलती है। और 2 से 3 प्याज जो कि फाइन चॉप प्याज थी वो मैंने इसमें ऑयल में डाल दी है। मैं इसको अच्छे से प्याज को ब्राउन होने के लिए रखूंगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने अपना ऑयल हरी मिर्चें फ्राई करने के लिए भी रख दिया। मैं इसको अब चेंज कर लेती हूँ, जब तक प्याज ब्राउन होता है मैं अपनी कढ़ाई को जिसमें हरी मिर्चें फ्राई करूंगी वो आप लोगों के सामने ले आती हूँ। ये आप लोग, मैं इसको हटा दूंगी। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है मैं इसको दूसरे चूल्हे पर रखूंगी। ये ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं हरी मिर्चों को, और चारी हरी मिर्चों को इसके लिए अच्छा सा ऑयल लेना पड़ता है। अच्छा, लेमन जूस ऑप्शनल है, आप इसकी जगह विनेगर भी डाल सकते हैं। ये ऑयल मेरा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, मैं चेक करूंगी। तो तकरीबन मैंने 1 पाव के लगभग ये हरी मिर्चें ली थी। ये हरी मिर्चें जो है मैं इसमें डालूंगी, इनको फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा शोर भी मचा रही है आपस में मिलकर, और इनके जो सीड्स हैं इनसे ज़रा डर लगता है, बहुत जोर से लगते हैं। बस इसको अच्छे से हम लोग अभी फ्राई होने देंगे। एज यूजल विंटर में गैस का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं हाई हो पा रहा, नॉर्मल फ्लेम है। बस ये अच्छे से हरी मिर्चें फ्राई होंगी हमारी। अभी जो हरी मिर्चें फ्राई होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने जो आप लोगों को ड्राई वाला मसाला दिखाया था, धनिया और सौंफ का और जीरा और राई का, उसमें मैंने क्या किया, जो आप लोगों को लहसुन दिखाया था तकरीबन मैंने 1 फुल लहसुन का छील के ले लिया था उस लहसुन को, और उसमें से 1/4 पार्ट छोड़ के ड्राई मसाले का बाकी मसाला लेके कुछ इस तरह से पीस लिया। इस वक्त इसकी इतनी जबरदस्त स्मेल आ रही है, और जब ये स्मेल जाके हरी मिर्चों के साथ मिलेगी, इन वाली हरी मिर्चों का जवाब नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये इतनी मजे की बनती है। आपके घर में सिर्फ फ्राइड दाल ही पकी हुई है, चावल भी नहीं बने हुए, ये हरी मिर्चें इतनी मज़े की उसके साथ खाने में मज़ा देती हैं। आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि राइस बॉईल कर लें, राइस के साथ खा लें, नहीं तो बेसन की रोटी बना लें, और ये हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, और कभी कभी तो फ्राइड एग के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए आप लोग, हरी मिर्चों का कलर बहुत ज़्यादा हमें काला नहीं करना, कुछ कुछ फ्राई हो गई हैं, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। अभी जो हमने मसाला था तकरीबन 1/4 पार्ट छोड़ के उसमें से, बाकी एक लहसुन का फूल जो छील के रखा हुआ था, अब इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। ऑयल की क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी अच्छी ली है, क्योंकि हम लोगों को ये हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा दिन के लिए रखनी है। अच्छा देखिए, मसाला हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा तेज़ मसाला स्पाइसी रखें। आप मसाला कम भी कर सकते हैं आपकी हरी मिर्चें अगर कम है। मैंने तकरीबन 1/4 भर के करीब ली थी, लेकिन आप लोगों को बताया थोड़ी सी जल्दी निकलती हूँ हटा के करके। जो मेरा मसाला ग्राइंडर में जग में रह गया है वो मैं अब मैं इसको तकरीबन लिड लगा के 2 मिनट के लिए कुक होने दूंगी, ताकि अच्छे से ये मसाला जो है हरी मिर्चों में चला जाए, हरी मिर्चों जो है सारे मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब कर ले। अभी प्याज ब्राउन होने में थोड़ा टाइम है, प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने डालेंगे। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मसाला जो ड्राई मसाला था लहसुन के साथ उसको ग्राइंड कर लिया था, हरी मिर्चों में डाला है। अभी मैंने इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डाला, हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज पे हम लोग 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक भर के हम लोग डाल देंगे इसमें, दैट्स इट। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये हमारी मिर्चें बनती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, आप लोग अपने घर में भी बनाएं, चटपटी किस्म की हरी मिर्चें हो जाती हैं। अब इसकी बस हम इसको 5 मिनट के लिए इसमें अच्छे से फ्राई होने देंगे, पानी हम नहीं डालेंगे। जब हल्की आंच पे इसमें ऑयल ऊपर आने लगेगा तो चूल्हा बंद करके फिर हम इसमें तकरीबन मैंने 2 नींबूओं का, मीडियम साइज़ के 2 नींबू थे उनका मैंने जूस निकाल के इस तरह से रख लिया, वो मैं डालूंगी, और बस हमारी हरी मिर्चें, अचारी हरी मिर्चें ज़बरदस्त वाली रेडी हो जाएंगी। बस अभी हम लोगों का प्याज ब्राउन होगा, हम लोग प्याज ब्राउन करके बस इसमें फिर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के पुलाव दम देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन प्याज मेरा ब्राउन हो गए थे मैंने निकाल दिए, थोड़े से मैंने इस प्याज के चंक्स छोड़ दिए। पहले सबसे पहले इस स्टेज पे मैं
जो साबुत गरम मसाला मैंने सिर्फ खुशबू के लिए ऑलरेडी यखनी में डाला हुआ, थोड़ा सा ऑयल और प्याज के साथ फ्राई करूंगी। जैसे ही फ्राई होगा इसके साथ साथ ही हम लोग फौरन से अपना शानदार वाला क्यूबिक पेस्ट, हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 मैंने मशीन में ग्राइंड कर लीजिए, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो मजा देता है ना पुलाव में, साथ साथ ही फौरन से मैं इसको फ्राई करूंगी। बगैर का कलर भी आ गया ग्रीन ग्रीन। ये जोश बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, आप सबको इसी रेसिपी से बनाएं। इतनी सी भी पुलाव में स्मेल नहीं होती, आपको किसी किस्म का कोई एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुलाव आपका इतना मज़ेदार और चस्कीला बनेगा कि आप लोगों के फैमिली वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये अच्छे से फ्राई होगा, थोड़ा सा फ्लेम मीडियम से हाई करूँगी मैं, ताकि गोश्त में अच्छा सा हरी मिर्चों का अरोमा एब्जॉर्ब कर लें। फिर इसमें फ़ौरन से मैं, ये फ्राई हो रहा है, ये कुछ हमने हरी मिर्चें तकरीबन 2 हरी मिर्चें मोटी मोटी चॉप करके रख ली थी। ये दही है तकरीबन, ये 2-3 टेबल स्पून दही है, और 2 टमाटर मैंने आप लोगों को बताए थे मैंने मोटे मोटे काट के रखे, लेकिन 2 मिनट में ज़रा हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई कर लूँ। पानी डाल, नमक डालने की ज़रूरत नहीं होगी, यखनी में हमने नमक डाल लिया था। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नमक कम है तो आप लोग चक्के अपनी यखनी में नमक ऐड कीजिएगा, या बोटियों में इसको ऐड मत कीजिएगा, कम ज़्यादा ना हो। हरी मिर्चों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये हमारा दही 2-3 टेबल स्पून, और 2 टमाटर, आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 टमाटर जो लिए वो मोटे मोटे से करे, क्योंकि जब ये गले गले से हो जाएंगे तो ये अपना सारा पेस्ट बोटियों में छोड़ेंगे, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस इस स्टेज पे मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला ना जले। तकरीबन मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी डाला, इसको चलाऊँगी, और चला के मैं इसको 5-10 मिनट के लिए बोटियों को, ताकि टमाटर हमारे गले गले हो जाए, फ्राई होने दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट तेल लगा के अच्छे से फ्राई किया था, तो टमाटर जो हमने 2 बड़े लिए थे वो नरम हो गए थे। मैंने यखनी बनाते में 1 किलो मेरा चावल है, 1 किलो बोटियाँ हैं, तो मैंने 2 टीस्पून नमक लिया था। 1 kg में 2 टीस्पून नमक काफ़ी होता है, लेकिन आप लोगों की फैमिली में अगर नमक ज़्यादा खाया जाता है तो मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, आप लोग इस तरह यखनी जो आपने निकाल के छान के रखी हुई है इसमें डालिएगा नमक, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से अभी नमक काफ़ी है। अच्छा, ये मैंने टमाटर देखिए गले गले से हो गए हैं, तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, जो छनी हुई यखनी है ये मैं डाल दूँगी इसमें। बहुत ज़बरदस्त ये चस्कीला पुलाव बनता है, इसमें टमाटर एडेड है। बस आप ये हल्का सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, मैं इसको 5 मिनट के लिए लिड लगा के रखूँगी, ये बॉईल होना शुरू होगा। हम इसमें 2 कप पानी और डालेंगे, 1 किलो के हिसाब से मुझे यखनी का पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, 2 कप पानी डालूंगी, इसमें बॉईल होने दूंगी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं चावल कैसे डालती हूँ। अच्छा, आप लोग ये देख लें हरी मिर्चें हम लोगों की रेडी हो गई हैं, मैंने इसमें 2 लेमन जो स्क्वीज करके रखे थे वो भी डाल दिए, बहुत शानदार इनकी शक्ल आई है। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं पकाएं वरना हरी मिर्चें आपकी काली हो जाएंगी। हरी मिर्चें हमारी रेडी है। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं अच्छा सा पानी बॉईल हो गया है, तकरीबन ये यखनी और 2 कप पानी मिला के हमारा 8 गिलास पानी 1 किलो चावल में इनफ होता है। मैंने आप लोगों को बताई है ये बात कि 1 किलो चावल में 2 टीस्पून नमक काफी होता है। ये तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले चावल बॉईल कर भिगो के रखे हुए थे, इनको मैं डाल दूंगी बॉईल होते हुए यखनी में, जितने एक्स्ट्रा है ये हाथ से ले लूंगी। इस स्टेज पे आप लोगों को फ्लेम अपना हाई रखना है ताकि अच्छे से एक साथ सारे चावल बॉईल होके दम होके आ जाए। बस अब हम इसको सारे चावल इसमें डाल देंगे। बासमती हमारे 1 किलो चावल है जो कि तकरीबन हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको रायते के साथ इस पुलाव को खाएं, जो मैंने हरी मिर्चें बनाई हैं इसके साथ तो इनका जवाब नहीं है। बीफ का पुलाव बहुत चस्कीला बनता है, तो हम लोग तो जब भी घर में पुलाव बनाते हैं बीफ का ही ज़्यादातर बनाते हैं, क्योंकि बीफ के पुलाव में बहुत मज़ा होता है। बस अब आप लोग ये देख सकते हैं मैं इसकी लिड लगा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला जब दम आएंगे तो आप लोगों के सामने ही फूड कलर डालेंगे और ब्राउन प्याज डालेंगे, 10 मिनट्स में इंशाल्लाह ये दम आ जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम लोग इसकी लिड हटाते हैं, देखें आप लोग बहुत शानदार ये दम आना शुरू हो गए, हल्के हल्के पानी के बबल्स। इस स्टेज पर बस अब मैं इसमें फूड कलर, जो कि तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून रेगुलर मिल्क में
मिक्स करके रख लिया था अच्छे से घोलकर, और जो प्याज हमारा ब्राउन हुआ हुआ था वो हमने निकाल लिया था, वो हम इस पे डालेंगे। और बस अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए तवे पे रख दूंगी दम लगाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले हम लोग इसमें फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे। ये रखा हमने, इसको मैं हटाती हूँ ख्याल से आराम से। अब इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में मैं ताकि मेरा तवा अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर ले, मैंने फ्लेम मीडियम से हाई रखा है। और अब मैं अपने पतीला जो है राइस का मैं ढक्कन नहीं खोलूंगी ताकि इसकी हीट अच्छे से रहे। आप लोग चाहें तो स्टेज पे इसमें फॉइल लगा के इसको दम लगा सकते हैं, वरना कोई हैवी चीज आपके घर में कोई पतीला रखा हुआ है कुछ है आप कुछ भी रख के इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखें। हाई फ्लेम पे रखने के बाद आप लोग इसका फ्लेम जो है फिर कम करेंगे। बस अब हम लोग तकरीबन इसको 10 मिनट दम पे लगाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, फाइनली हमारा बीफ पुलाव रेडी हो चुका है हरी मिर्चों के साथ, बहुत शानदार दम आया है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे, बहुत मजे का बना है, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही, पूरा घर खुशबू से महक गया है। चलें हम लोग अपनी प्लेट में निकालते हैं, ये आप लोग इसको देख सकते हैं धुआं उठता हुआ बड़ा जबरदस्त। इसको मैं निकालूंगी, मैंने इसके साथ थोड़ा सा रायता भी बना लिया है प्याज वाला, ये आप लोग देख सकते हैं जिनको घर में रायता पसंद है वो रायते के साथ खाएं, हमें तो भैया हरी मिर्चें बहुत पसंद है, आप लोगों के सामने बनाई है। ये हरी मिर्चें आप लोग वैसे रोटी से भी खा सकते हैं, लेकिन अभी बस मैं पुलाव ट्राई करूंगी हरी मिर्चों के साथ। जबरदस्त सा बाइट बनाए सारी चीजें मिक्स करके। बहुत मजेदार, इतना परफेक्ट बनाया पुलाव, जो हमने हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का क्यूबिक पेस्ट डाला था, टोमेटोज डाले थे, हरी मिर्चें पीस के डाली थी, इतना अच्छा इसका मजा आ रहा है। और इन हरी मिर्चों के साथ आप जरूर ट्राई करें, हरी मिर्चें आप लोग बना के रख सकते हैं, विनेगर डालें, 2 महीने के लिए अचार के तौर पर बना के अपने जार में रख सकते हैं। चलें व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेके जल्द मिलेंगे, आप लोग जरूर ट्राई करेंगे बीफ पुलाव के साथ ये अचारी हरी मिर्चें। बस आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पहले सब्सक्राइब करें फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप लोगों का फीडबैक मुझे हिम्मत दिलाता रहेगा, मैं मजे मजे की रेसिपीज लेकर आऊंगी। विंटर वेकेशन में हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, एक और हमने सरप्राइज प्लान किया हुआ है, बस आप लोग मेरी सारी वीडियोज को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो लेके हम जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।